Assalamu alaikum and welcome to the revolution called Iqbal Ka Pakistan. In this show, we discuss the poetry and the teachings of Allama Iqbal. Is waqt hum jo kitab discuss kar rahe hain wo Rumooz-e-Behudi hai aur uska jo next chapter hai it's about Risalat. Aur without any further delay, I would like to invite Hakim Sahib to elaborate on that concept of Risalat. Ali, dekho. हर मुसलमान जब हम पैदा होते हैं ना बचपन से ही हमको जो पहला लफ्ज सिखाया जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका मतलब बहुत कम लोग समझते हैं फिर जो इस पावरफुल कलमे की रियलिटी है दो फोर्सेस विच आर हिडन विद इन दीज टू सेंटेंसेस ला इलाहा इल्लल्लाह एंड मोहम्मद रसूलुल्लाह आर सो पावरफुल कि ये पूरी कायनात को हिला देते हैं हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर और ये इतनी पावरफुल एक मोटिवेटिंग आइडियोलॉजी है इकबाल ने भी जो रमूज़ पे खुदी में सीक्वेंस बिल्ड किया है एक मुस्लिम उम्मत की आइडियोलॉजी का उसको बिल्ड किया है पहले तौहीद पर और तौहीद के बाद रिसालत जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आते हैं तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे बात कर रहे हैं एंड दैट इज वाई इकबाल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रियलिटी ऑफ रिसालत के रिसालत की ड्यूटी क्या है वो मिशन क्या है और एक मुसलमान होने की हैसियत से जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन लाते हैं तो उसके जो असरात हमारे वजूद में पैदा होते हैं उसके बाद इसको फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर उन फोर्सेस को मैग्नीफाई करने के लिए जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो फिर आपके वजूद में क्या होता है इंडिविजुअल के तौर पर भी एक कलेक्टिव नेशन के तौर पर भी हमने पाकिस्तान की तामीर की थी ला इलाहा इल्लल्लाह पे लेकिन इस पाकिस्तान की तकमील होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमने पाकिस्तान बना लिया इसको इकबाल का पाकिस्तान नहीं बना सके और इकबाल का पाकिस्तान इसीलिए नहीं बना सके कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के जो आदाब हैं जो पैरामीटर्स हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स और जिम्मेदारियां थी उनको पूरा नहीं किया रिसालत की अहमियत क्या है बिकॉज पूरे तमाम मुसलमान उम्मत जब हम खाने काबा में इकट्ठे होते हैं एक हैरत अंगेज एक कॉन्सेप्ट है लिए कि वो इकबाल ने भी ये बात कही थी कि खाने काबा ने ये पैगाम दिया जेनेवा को कि जमियत अकवाम या जमियत इंसान आप एक हैरत अंगेज फिनोमेना देखते हैं खाने काबा में 40-50 लाख मुसलमान हज पे जमा होते हैं कोई नेशनैलिटी उनकी नहीं होती कोई कौमियत नहीं होती कोई जबान नहीं होता कोई लिबास नहीं होता सिर्फ मुस्लिम होते हैं सब एक सफेद लिबास में मलबूस एक अल्लाह के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दैट इज व्हाट यूनाइटिंग द ह्यूमैनिटी ये इतना पावरफुल फोर्स है इतनी पावरफुल फैक्टर है कि दुनिया की कोई आइडियोलॉजी और कोई इज्म इंसान को इस तरह इकट्ठा करके मसावात कायम नहीं कर सकती बराबरी और इक्वालिटी कायम नहीं कर सकती जितने ये दो जुमले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुदरती बात है कि जब इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से एक ताल्लुक जोड़ता है उनके मिशन की रियलिटी को जानता है और जब आप ये रियलाइज करते हैं कि मेरा मिशन वही है क्योंकि अब हुजूर के बाद किसी नबी ने नहीं आना और मुसलमानों के बाद किसी नई कौम ने नहीं आना हुजूर आखिरी नबी हैं तो हम आखिरी उम्मत हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हमारी हैं कि इस पूरी इंसानियत को देखो आज हम ये बातें बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई इकबाल टुडे व्हाई डू वी शुड रिवाइव द आइडियोलॉजी ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आज इंसानियत तकलीफ में है इनका जो ज़ायनिस्ट सिस्टम जो 21वीं सदी में अब दाखिल हो चुका है उसका अब गेम प्लान यह है कि दुनिया के अरबों इंसानों को हलाक किया जाएगा इतना बड़ा स्लॉटर और जेनोसाइड इंसानियत की तारीख में कभी पिछले 20,000 साल में इकट्ठे कभी नहीं हुआ जितना ये अगले 200 साल में 150 साल में 100 साल में करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एज में इंसानों का स्लॉटर भी इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है ये सिर्फ एटम बम से हलाक नहीं करते बहुत सारे और तरीके ये आपके खानों में जहर मिलाते हैं ये आपके अंदर बीमारियां आपके अंदर छोड़ते हैं एड्स बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू ये सब लेबोरेटरी में क्रिएटेड जहर हैं जो ये माशरे के अंदर फैलाया जाता है ये वो क्योंकि व्हाट दे आर रियलाइजिंग इज कि इस दुनिया पर अब कब्जा अपना काबू रखने के लिए इनको दुनिया की आबादी कम करनी है इंसानियत अब इतनी तकलीफ में आने वाली है इनकी वजह से कि ये वो दज्जाल का सिस्टम और निजाम है कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हर नबी ने अपनी उम्मत को वार्न किया था कि एक वक्त आएगा कि जब और दज्जाल के खास एट्रीब्यूट्स ये हैं कि ये दुनिया की फूड सप्लाई इकोनॉमी कंट्रोल करेगा और मीडिया मैनेजमेंट यानी परसेप्शन मैनेजमेंट वो ऐसी करते हैं कि जिन चीजों को जो जहर होती है हमारे खाने में मिली हुई आज प्रैक्टिकली अगर इंग्रेडिएंट्स देखें आप हमारे खानों के तो 90% जहर है उसके जहर
जो फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे, जो टेस्ट एनहेंसर के नाम पे, जो केमिकल्स दाखिल किए जा रहे हैं हमारे खानों में, हमारे पूरी फूड सप्लाई मल्टीनेशनल्स कंट्रोल कर रही और उनके अंदर जो एलिमेंट्स फार्मास्यूटिकल्स मल्टीनेशनल दवाइयां आपकी सबसे ज्यादा, और इंसानियत की तकलीफ का अब आलम यह हो गया, इंसानियत पर रहम होगा कि इस इंसानियत को नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के नीचे ले आया जाए। तो आज के दौर से पहले कभी भी इतना क्रिटिकल नहीं था मुसलमानों के लिए कि हम इकबाल की इस डॉक्ट्रिन को रिवाइव करें कि जो हमको यह बताए कि तुम खुद भी किस तरह रिसालत से कनेक्ट हो सकते हो और फिर रिसालत से कनेक्ट होने के बाद पूरी इंसानियत को तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के नीचे किस तरह ला सकते हो। दैट्स द डॉक्यूमेंट, दैट्स द पार्ट ऑफ रमूज बेखुदी के जो हम इकबाल के हवाले से इस पर बात करेंगे। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी ताल्लुक ना कायम हो, इकबाल की उर्दू पोइट्री भी आप देखिए तो बार बार वो ये की बात कहते हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो इसको हम रमूज बेखुदी में अब डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टेक अ ब्रेक, वंस वी कम बैक वी गो ऑन। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम, कौन बोल रहा है? फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल क्या आपका? जी मैंने मिस्टर जैद हामिद को सुना है, ही टॉक्स अ लॉट अबाउट यू नो मोटिवेटिंग द यूथ एंड ऑल, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क हिम अबाउट द यूथ विच इज इनसेंसिटिव, द यूथ विच इज एपथेटिक। और आप उसके सामने अल्लाह की बात करो और पाकिस्तान की बात करो तो उसको इतना ग्लैमरस समझते हैं, और जिनकी स्टे कूल अप्रोच है, यू नो दे जस्ट, यू जस्ट कांट मूव देम, दे लाइक स्टोन्स। आई मीन व्हाट टू डू ऑफ देम? एक्चुअली हमारा जो स्कूल में है, आई हैव अ सब्जेक्ट वेयर वी टॉक अलॉट अबाउट सोशल इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट, तो वेन एवर आई स्पीक देयर, तो थोड़ा सा मैं इस्लाम को भी हमेशा पता नहीं क्यों बीच में ले आती हूँ, दैट्स वेरी नेचुरल, लेकिन इतने वो एपथेटिक हैं कि वो आपकी शक्ल दोबारा देखना चाहते हैं जब आप इस्लाम को सोशल इश्यूज में ले आओ, जबकि पाकिस्तान है, इस्लाम इज आवर स्टेट रिलीजन। Can you please touch on that? Thank you, very good question. ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी ये हो रहा है कि क्योंकि हम जो जिस नॉन बिलीविंग वर्ल्ड में रहते हैं, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, वो नॉन बिलीवर्स हैं, दे थिंक इट्स कूल टू बिलीव इन नथिंग एंड टू स्टैंड अप फॉर नथिंग एंड यू नो वी आर ऑल अबाउट पीस एंड वी आर ऑल अबाउट हार्मनी एंड वी आर ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। हम तो वी नो व्हाट द फैशंस आर, कौन सा बैंड, कौन सी फिल्म, वो दे जस्ट वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू दैट वर्ल्ड एंड नॉट सी द वर्ल्ड हाउ इट इज। एंड ऑब्वियसली हकीम साहब ने इस बात को बहुत दफा डिस्कस भी किया मेरे साथ, ये पर्सनली आपको मैं कई दफा बता चुका हूं कि मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि ओ यार तुम ये बातें करते हो, तुम्हारा तो सब लोग मजाक उड़ाए। मैंने कौन उड़ा रहा है मजाक मेरा? तो कह के वो फलाना फलाना, तो मैं कहता हूं कि वो सारे मेरे स्टैंडर्ड के लोग नहीं, मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता। तो अगर वो मेरा मजाक उड़ाते और समझ रहे हैं कि मैं कोई गलत चीज कर रहा हूं, तो वो तुम लोग आओगे मेरे पास रोते हुए जब तुम्हारे पास कोई और रास्ता, या तुम्हें जब दजाल जमीन पे लटा के मसल रहा होगा ना, फिर तुम कहोगे हाँ यार अली तुम ये बातें कहते थे उस वक्त, तो अब हमें समझ आ रही। अब इसके आप कुछ एलैबोरेट करें इसके ऊपर। यही बात देखो, एक बात जहन में रखिएगा, दुनिया में जब भी एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी उठी है, जो सिस्टम और स्टेटस को के लोग हैं वो या मजाक उड़ाते हैं या रेजिस्ट करते हैं या अलग होकर तमाशा देखते हैं कि ये देखें कि ये आइडियोलॉजी कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसके साथ हो जाएंगे। जब इजाजा नसरुल्लाह वल फतह की बात होती है, वराय तन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, तो काहे फतह के बाद लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल हुए, उससे पहले इनकलाब बर्पा करने वाली कोर टीम छोटी होती है। हमारे नौजवानों के साथ, हमारी पूरी कौम के साथ, बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत के साथ हम बात करेंगे, जो 21वीं सदी और 20वीं सदी में इनके साथ जुल्म हुआ है सबसे बड़ा, वो ये कि जो मास मीडिया और कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन एज और सैटेलाइट्स के जरिए, जो ब्रॉडकास्ट के जरिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इनके जहन कंट्रोल किए गए, इल्यूजन ऑफ माइंड कंट्रोल, इल्यूजन ऑफ पीस दिया गया इनको, इससे बड़ा झूठ और मकर और फ्रॉड कायनात में दज्जाल कभी क्रिएट नहीं कर सकता था, जो इसने इस दो सदियों में कर लिया है, माइंड कंट्रोल। लेकिन यह भी देखो, इन्होंने 200 साल इस काम में खर्च किए हैं, इन्होंने अरबों 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 डॉलर्स खर्च किए हैं इस काम को अचीव करने के लिए, और लेकिन अरबों कमाए भी तो हैं। लेकिन इस अंधेरे में, तारीख अंधेरे में आप एक चिराग जला दो तो लोगों को रोशनी नजर आने लगती है। अंधेरे का कमाल यह है कि आप जितना भी अंधेरा कर लो वो एक छोटे से चिराग से भी दूर हो जाता है। तो हम लोग तो एपरेंटली, ये मिशन जिसको हम आप लेके उठे हैं,
अल्लाह के फजल से क्या रिसोर्सेज है हमारे, क्या वसाइल है हमारे, हम इस पूरे कुफर के सिस्टम का क्या मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं। बिल्कुल हुए। जब अगर लोग मायूस हैं, नौजवान एज दे से दे ट्राइंग टू प्ले कूल, बट देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑल्सो एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑल्सो हु आर कमिंग टू कनेक्ट, जो आ रहे हैं, जिनकी आंखों से पर्दा हट गया है, जो एक दफा शेकअप करके रियलाइज कर रहे हैं कि हम किस दुनिया में रहते थे और ये कौन सी दुनिया जिसको आप हमें दिखा रहे हैं। जज्बा, जुनून, दीवानगी, जोश जितनी हम नौजवानों में देख रहे हैं, इकबाल ने जब ये बात उस वक्त हमें कही थी कि नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उन खुश्क मिट्टी के ऊपर हम छिड़काव कर रहे हैं इकबाल की आइडियोलॉजी का, जिसकी बुनियाद उम्मीद के ऊपर है, जिसकी बुनियाद डिग्निटी और गैरत और हया के ऊपर है, जिसकी बुनियाद इस फैक्टर के ऊपर है कि तुम अपनी तकदीर साज भी हो, किरदार साज भी हो, तारीख साज भी हो, हम अपनी तकदीर अपने हाथ में लेंगे एंड वी विल नॉट लेट द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ आर लाइफ बी कंट्रोल्ड बाय सिस्टम्स ऑफ द दज्जाल। हम इस सिस्टम को तब्दील भी करेंगे लेकिन अनार्की के साथ नहीं, रिफॉर्म के साथ। हम रेवोल्यूशन जिस टर्म में दुनिया में सेकुलर टर्म में रेवोल्यूशन इस्तेमाल होता है कि जब मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन आई तो उन्होंने जार को खत्म करके मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन आ गई, लेकिन वहीं से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए, सही कह रहे हैं, नथिंग हैपेंड। उस टर्म में रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कोई नहीं उसके अंदर, कुछ भी नहीं था, और वो एक चक्कर से निकले दूसरे, फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर वाली बात। बिल्कुल सर, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक रेजोल्यूशन है, वो एक सिस्टम से निकलकर दूसरे सिस्टम में आने के, एक कंफ्यूजन से निकलकर रोशनी में आने के। और अल्लाह यही बात कुरान में कहता है कि मिन यखरुजु मिन ज़ुलुमात इला नूर, अल्लाह अंधेरों से निकालकर रोशनी में लेकर आता है। अल्लाह ये नहीं कहता कि इंसान को वो एक चक्कर में फिराता रहता है, बल्कि वो तो सजा के तौर पे अल्लाह कहता है अलैहिम दायरतुस्सु, उन लोगों के ऊपर बुराई का दायरा है, दे कंटिन्यूसली कीप गोइंग इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड दे नेवर रीच एनी कंक्लूजन। वी आर नॉट सेइंग, हम फॉक्स न्यूज की तरह नहीं है कि आपसे ये कह रहे हैं कि वी टेल यू यू डिसाइड, नो We are telling you the truth because they tell you lies on both axes. In insinuation bhi karte hain na, wo aapko pata hai, some people say this is not true, but it's never true. Aapko dono taraf se jhoot bolenge to aap jo choice karenge wo bhi jhoot hogi. Hum aapko us pure kufr ke system ko cut across karke sach bata ke samne rakh rahe hain ki this is the fact, take it, aur koi rasta tumhare paas nahi hai is waqt, tumhe Allah Rasool Akhirat Quran Deen Sunnat Shariat a dignity or honor of Pakistan ke maqam par aana padega. You have no choice but being a Muslim, you have no choice but being on your being a Islam. On your being a Muslim Pakistani. और क्योंकि अब सिर्फ हमारा मामला नहीं रह गया है, अगर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है तो फिर मुसलमान भी आलमीन में अपनी थिएटर ऑफ ऑपरेशन अपनी ड्यूटी फील करते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंसानियत तकलीफ में, अफ्रीका के लोग हों, यूरोप के लोग हों, खुद अमरीका के लोग, सबसे मजलूम लोग तो कायनात में वो अमरीका के लोग हैं, और ब्रिटिश भी कि जो बेचारे क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग फ्रॉड में ऐसे फंस गए कि अब बेड़ा गरक हो गया उन, हम लोग तो फिर अपना खाना खुद उगा लेते हैं। एक एवरेज अमेरिकन बुढ़ा होकर मर जाता है, कभी खेत की शक्ल नहीं देखता, उसको पता ही नहीं होता, वो समझता है कि दूध भैंस नहीं देती, सुपरमार्केट से दूध आता है। ही हैज नेवर सीन अ काउ गिविंग अ मिल्क, एवरेज बच्चे का वहां हाल ये हो गया। हम लोग तो फिर अल्लाह के फल से जमीन के करीब रहते हैं, एंड वी नो वी कैन फार्म आर ओन लैंड, वी कैन कल्टिवेट और ग्रो आर ओन फूड, अल्लाह ने हमें खजाने दिए हुए इन, बस सिर्फ हमें उम्मीद चाहिए, हौसला चाहिए, डिग्निटी चाहिए, एंड वी कैन डू इट। ये मामला अब तौहीद के बाद अब रिसालत से कनेक्ट करने से होगा। ये मुमकिन नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को बनाए बगैर हम अपनी कौम को रिवाइव कर सकें। एनीबॉडी हू सेज कि मैं सिर्फ अल्लाह को ताल्लुक रखूंगा और हुजूर से ताल्लुक नहीं रखूंगा, रबिश, हुजूर के बगैर कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग आर ऑनर इज बाय द नेम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइंड अस टुगेदर इज द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको हम रमूज, चाहे मानता हो कोई रिलीजियस हो ना हो, कोई रसूल, हमारी जीन्स में अल्लाह के रसूल से इश्क और प्यार घुसा हुआ है, और ये हम इंशाल्लाह इकबाल के डॉक्टर में। लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, उसके बाद आते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं उमेर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी उमेर साहब, बड़ी खुशी हुई कि आप इतने दूर शहर से, हमें लगता है कि आप, हम कभी आए नहीं मुल्तान, तो शायद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। ऑफकोर्स मैं अभी पिछले हफ्ते ही आया हुआ था, मजाक कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप हकीम साहब? सवाल सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूंगा कि जैद साहब एक तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन को जो मैसेज दे रहे हैं ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात जो मेरा क्वेश्चन है, 70s के अंदर जब इजिप्शियन आर्मी ने बार्लिव लाइन तोड़ी और इसराइल के अंदर घुस के चले गए काफी आगे तक सिनाई डेजर्ट के अंदर, तो इस बार्लिव लाइन को कहा जाता था कोई भी नहीं तोड़ सकता। क्या ये उनकी अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी
या वो अल्लाह से ज्यादा रिसालत के ऊपर चले गए थे, या उन दिनों उन लोगों ने, मतलब इस बारे में ज़ैद साहब क्या कहना पसंद करेंगे कि क्या वो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी या वो अल्लाह के और ज्यादा करीब हो गए थे उस जंग से जो उनको पहले धचका लग चुका था। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। इसका एक छोटा सा, देखिए वो हमारे टॉपिक से बेशक रिलेटेड नहीं है लेकिन बात रेलिवेंट इस तरह बन जाती है कि देखिए मुसलमान को अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब मखलूक बनाया है। हमें जब चोट पड़ती है तो हमारी इज्जत नफ्स और गैरत जब मजरूह होती है देन वी फाइट लाइक टाइगर्स। ये हमारी पूरी फितरत है, पाकिस्तानी कौम का भी यही हाल है। When we are falling off the cliff, then you find us holding with our claws and then coming back and fighting like tigers. So aaj ke dushman hairan ho jata hai ki yaar we had written them off and suddenly they sprung back. Chahe wo hamara cricket ka world cup jeetna ho ya hamari qaum mein challenges aur crisis ho, har crisis mein ye qaum nikal ke samne aati hai, musliman millat ke saath hi hai. Musliman ko musliman kar diya toofan-e-maghrib ne. Ye baat Iqbal us waqt bhi kehte the. Egyptians ko jab 67 mein maar padi aur is tarah maar padi ke bichari रुल गए, तबाह बर्बाद हो गए। एक इजिप्शियन एयरक्राफ्ट हवा में नहीं उठ सका और इसराइलियों ने जमीन पर पूरी इजिप्शियन, सीरियन और जॉर्डेनियन तीन मुसलमान मुल्कों की एयरफोर्स जमीन पर तबाह कर दी। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी पायलट्स यहां से गए, क्योंकि उनके तो पायलट और सब खत्म हो गए थे। पाकिस्तानी पायलट्स यहां से गए और फिर उन्होंने जाके इसराइलियों का मुकाबला किया। वी शॉट डाउन सो मेनी इसराइलीज, इसराइली शर्म के मारे बोलते नहीं है। पाकिस्तानी आर द ओनली मुस्लिम एयरफोर्स विच हैव शॉट डाउन इसराइली एयरक्राफ्ट इन एयर टू एयर कॉम्बैट। तो 74 में जो इनकी लड़ाई हुई है उसके अंदर इसराइलीज वर ओवर कॉन्फिडेंट कि जी हमने इतना मारा है इनको कि दो चार साल के अंदर प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब। यहां पर अल्लाह ने बड़ी मदद की, मिस्रियों ने बड़ी गैरत और दलेरी का मुजाहरा किया था जिस तरह उन्होंने कनाल क्रॉसिंग की, एक बड़ी दीवार बनाई हुई थी उन्होंने, उस दीवार को ब्रीच किया, ब्रीच करके उन्होंने सिनाई डेजर्ट में पूरा आर्मड डिवीजन इजिप्शियंस का दाखिल हुआ, इसराइल की रियासत का वजूद खतरे में पड़ गया था। यानी अगर हम थोड़ा सा इनिशिएटिव को इजिप्शियंस और पुश करते तो इसराइल कुड हैव बीन एनिहिलेटेड एट दैट टाइम, फिर वो अमेरिका इंग्लैंड बचाने के लिए उसको आ गए बड़ा बड़ा। तो मगर सबक हमको ये मिला कि इसराइल भी कोई इनविंसिबल नहीं है, इस बात के बावजूद कि ये समझते हैं कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये खुदा नहीं है नाउजुबिल्ला, ये अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उनके पास 250 के करीब तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन इस्तेमाल भी करेंगे तो कहां करेंगे, खुद भी तबाह होंगे ना, क्योंकि वो रीजन इतना नजदीक है। हमें तो मार सकते हैं ना, लेकिन हम भी उनको मार सकते हैं। तो और इसी वजह से वो डरते भी हैं, इसी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा आते हैं। तो एंड दैट इज वन, इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसराइल हमें ज्यादा बड़ा दुश्मन तसव्वुर करता है अरबों के मुकाबले में। इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल दैट वी पाकिस्तानी हैव, हम जिस फील्ड में हाथ डालते हैं अल्लाह के फजल से उसके उरूज पे पहुंचते हैं। अरबों अरबों के तो हाथ जिसको कहना बांध चुके हैं ना, कुछ भी नहीं बचा। वो तो जब से ये जो को बिठाया लाके उसके बाद सारे मुसलमानों के हाथ बांध दिए। यानी तमाम अरब हुकूमतों का हाल यही है कि वो मुसलमानों की इज्जत इज्जत और गैरत और सौदा कर चुके, हमियत का दिफा तो कर ही नहीं सकते, सौदा कर चुके ना हमारा, उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बैठे हुए उनके रॉथचाइल्ड बैंक में, उन्होंने कैसे इनके खिलाफ बोलना है, एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। ये जो मामला, अगेन हम आते हैं बैक कमिंग बैक टू आर इकबाल के पाकिस्तान की तरफ, कि इकबाल जो चीज डिफाइन करते हैं कहते हैं कि देखिए रिसालत से हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल, उस रिसालत की ड्यूटी और उस मिशन को अगर तुमने अडॉप्ट नहीं किया, अगर तुमने इसको नहीं समझा तो तुम एक मिल्लत के तौर पर जमा नहीं हो सकोगे। याद रखिए पाकिस्तान में अगर कोई एक वजूद पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर सकता है तो वो अल्लाह के रसूल की जात मुबारक है। हमने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सेपरेटिस्ट एलिमेंट से बात की, वो जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहते, जब हमने उनसे अल्लाह के रसूल की बात की कि अल्लाह के रसूल ने इस असबियत को, इस तासुब को, इस कौमियत और लिसानियत को हराम करार दिया तो वो भी नरम पड़ गए, वो भी सॉफ्ट हो गए। जब हमने पाकिस्तान तोड़ने वाले पश्तून सब नेशनलिस्ट से बात की जो पख्तूनिस्तान के नारे मारते थे, जब हमने उनसे अल्लाह के रसूल की बात की वहां वो भी धीमे पड़ गए। देखिए ये एक एलिमेंट है कि अल्लाह के रसूल का अदब सब करते हैं चाहे आपस में इख्तलाफात हो या ना हो, इसलिए रसालत पे एम्फोसाइज करना बहुत जरूरी है। इकबाल यहां पे यही बात एम्फोसाइज करते हैं और बड़ा हैरत अंगेज एम्फोसाइज करते हैं, कहते हैं कि अगर मुसलमान तुम मेरे अल्फाज पर गौर करो और हजरत अबू बकर सिद्दीक की निगाह से दुनिया को देखो, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर के राजदार, गार से लेकर आखिर तक सात खलीफा, अव्वल खलीफा तो रसूल, उनके उससे देखो तो फरमाते हैं तो हजूर अकरम तुम्हारे कल्ब और जाएंगे। और एक बड़ा हैरत अंगेज जुमला इकबाल यहां पे कहते हैं जो लोगों का एतराज भी होगा उसके ऊपर, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इकबाल कहते हैं कि फिर अल्लाह के रसूल नबी करीम तुम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करोगे। यानी यह बात लोगों को बड़ी अजीबोगरीब लगेगी कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से कैसे की जा सकती है, लेकिन इकबाल कह रहे हैं मेरे बातों पर गौर करो। कुरान में एक आयत है, अल्लज़ीन आमनू वशुद्दु हुब्बुल्लाह, जो लोग ईमान लाते हैं शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं।
लेकिन देखिए अल्लाह ताला नजर किसी को नहीं आते, अल्लाह ताला को महसूस किया जा सकता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इंसानों ने अल्लाह ताला के वजूद को माना है उसकी निशानियों को देख के, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह, और इसीलिए हुजूर से जो ताल्लुक बनता है, जो शदीद मोहब्बत हुजूर से होती है, उसका जो अल्लाह से मोहब्बत का इजहार हुजूर से मोहब्बत है। हुजूर की एक हदीस शरीफ हमारे साथ हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि तुम में कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात यानी अल्लाह के रसूल की जात तुम्हारे जान माल इज्जत आबरू माल और दौलत सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए। यानी सहाबा कराम जिस तरह हुजूर पर जान निछावर करते हैं, उनके वजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक यह है कि हुजूर के पसीने मुबारक से खुशबू बनाते हैं, ये ताल्लुक के अपने बीवी बच्चे जान माल सब कुर्बान करते हैं, ऐसी दीवानगी और जुनून की मोहब्बत जो अल्लाह के रसूल से बेख्तियार होती है उनको। हुजूर ने फरमाया कुल उन कुंत, कुरान की आयत है, कुल उन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो फत्तबियूनी, मुझसे प्यार कर लो अल्लाह तुमसे प्यार कर लेगा। अल्लाह से कोई डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं, अल्लाह से कोई डायरेक्ट प्यार नहीं है, प्यार और इत्तबा, इत्तबा कहते ही उसकी अताअत करने को है, फॉलो करने को है, जिसमें शदीद मोहब्बत शामिल हो, जुनून और दीवानगी की हद तक मोहब्बत शामिल हो। तो इकबाल यही फरमा रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुमने जो कुर्बान करना है, असल में तुमने अल्लाह के रसूल पे कुर्बान करना है। जो सहाबा कराम का बड़ा खूबसूरत ग्रीटिंग थी अल्लाह के रसूल को मिलते थे, फरमाते थे फिदाक उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे मां। तो देखो इस उम्मत के साथ भी, जब खाने काबा के पास आप जाते हो ना तो वहां अल्लाह का जलाल नजर आता है, लेकिन जब आप मस्जिद नबी जाते हो वहां अल्लाह का जमाल है, इज द ब्यूटी ऑफ इट। साथ साथ ना चलें जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना हो, जब तक मक्का ना हो, जब तक मदीना उसके साथ ना हो, उस वक्त तक तुम्हारा हज भी मुकम्मल नहीं हो रहा होता। फिका और फतवे की जबान में शायद हज पूरा हो जाए, लेकिन इश्क और जुनून और मोहब्बत और प्यार की जबान में हज के आदाब, असल चीज तो लव है ना, लव और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने सिर्फ कानून फॉलो नहीं करना, वरना किताब आसमान से आ जाती, हम किताब को फॉलो कर लेते, जब तक अल्लाह के रसूल की जात मुबारक, उनकी सुन्नत, उनसे मोहब्बत, उनसे इश्क, उन पर ताल्लुक, उन पर कुर्बान होना। और ये एम्फेसिस इकबाल कहते हैं कि देखो इस बात को रियलाइज करो कि अगर तुमने रिसालत के इस तसव्वुर को बिल्ड नहीं किया तो उसके बाद तुम्हारा दीन कुछ भी नहीं है। कहा कि हुजूर की किताब मोमिन के कल्ब के लिए कुव्वत है और हुजूर की हिकमत तुम्हारी शहरत की हैसियत रखती है। हुजूर के जो एट्रीब्यूट्स हैं कुरान बताता है कि आप आयतों की तलावत फरमा रहे हैं, आप कुरान पाक आपको पढ़ा रहे हैं, आप हिकमत सिखा रहे हैं, विजडम सिखा रहे हैं दुनिया में ऑपरेट करने के लिए, कि क्या विजडम इस्तेमाल करनी है जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करने के लिए, कैसे सिविलाइजेशंस तैयार करनी है, कैसे माशरे बनाने, कैसे वॉर्स, कैसे जंगें लड़नी है, कैसे इंसान साजी करनी है, कैसे अच्छा इंसान बनना है, कैसे कानून साजी करनी है, कैसे कौमों को राइज करना है, ये सब कुछ आपको रसूलुल्लाह की सुन्नत में मिलेगा। यू विल बी अमेज्ड अली कि हुजूर की सुन्नत में इतनी विजडम है। मैसूलिनी ने अल्लामा इकबाल से पूछा कि आप मुझे एडवाइस करें कि मैं इटली को रिबिल्ड कैसे करूं। 1932 में मैसूलिनी वॉज द डिक्टेटर, बड़ा ताकतवर आदमी था। इकबाल ने उसको नसीहत पता है क्या की, मुसलमान हो। इकबाल ने उससे कहा कि तुम अपने शहरों को ज्यादा बड़ा मत होने दो। तो मैं सुनूनी हैरान हो गया, क्यों, आज के उस जमाने में कॉन्सेप्ट है बड़े बड़े शहर आबाद करो। तो इकबाल ने उससे कहा कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहरों को बड़ा मत होने दो, जब शहर ज्यादा बड़े हो जाए तो नए शहर आबाद कर लो। उससे जो मेगा मेट्रोपोलिस की मुसीबतें हैं जो आज हमें नजर आ रही हैं, बड़े बड़े मेगा सिटीज बना दी हैं जिनमें ना पानी का मसला हल होता है, ना बिजली का, ना गैस का, स्लम्स हैं, आबादियां मुझसे, क्राइम बढ़ जाते हैं, जुर्म बढ़ जाते हैं, ह्यूमन फिल्थ हो गया, यू कांट टेक, इंसान इंसान को जानता नहीं है, लोगों में फ्रिक्शन बढ़ जाती है, ये सारे फसाद होते हैं मेगा सिटीज की वजह से। इंसान ने अपनी तारीख में कभी इतने मेगा सिटीज नहीं बनाए जितने आज बनाए। हर इंसान शहरों की तरफ भाग रहा है जमीनें छोड़ छोड़ के, जिसकी वजह ये विजडम, हत्ता के ये तक हुजूर ने बताया कि जब तुम सड़कें बनाओ तो इतनी चौड़ी करो कि दो ऊंट गुजर सके, यानी डबल रोड्स बनाओ, ट्रैफिक के इतने रूल्स भी हुजूर ने। इसीलिए इकबाल का एम्फेसिस है कि विदाउट सुन्नत यू कैनॉट अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ। नहीं होती। इब्लीस ने जो अल्टीमेट नसीहत की थी अपने इब्लीस की मजलिस शुरा में, जो आखिरी नसीहत इब्लीस ने की थी अपने मुरीदों को कि अगर मुसलमान उम्मत को तबाह करना है तो कहा कि ये फाका कश के जो मौत से डरता नहीं लेकिन रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, इसको हुजूर के मामले में कंफ्यूज कर दो, इसको ये कह दो कि तुम खाना काबा जाया करो, मस्जिद नबी जाना हराम है तुम्हारे लिए, इसको ये कह दो कि हुजूर से कुछ नहीं मिलता तुमको, हुजूर को दुरूद शरीफ पढ़ना फैज लेना, आज हुजूर से ताल्लुक निस्बत रूहानियत कुछ कायम नहीं किया जा सकता, कंफ्यूज कर दो इस कौम को हुजूर के निस्बत और हवाले से। इकबाल इस मामले में बहुत ज्यादा एम्फोसिस करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तम तेरे, बार बार जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, इसका मतलब तो समझो यार क्या है।
देयर विल बी नो इम्पॉसिबिलिटी फॉर यू. तुम अपनी तकदीर भी खुद लिखोगे, लोहे महफूज भी तुम्हारा होगा, कलम आला भी तुम्हारा होगा, अल्लाह भी तुम्हारा होगा, मलाइका भी तुम्हारे होंगे, सुपर नेचुरल फोर्सेज तुम्हारी होंगी, मलाइका तुम पे नाजिल होंगे, शाहीन की निगाह होगी, निगाह बुलंद होगी, सुखन दिलवाज होगी, जहां पुरसोज होगी, तुम्हारी निगाह से तकदीरें बदलेंगी, तुम वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल दोगे, तुम्हारी अजा से शबिस्तान वजूद लर्जेगा, तुम एक वो कायनात में एक शाहीन और दिलेरों की तरह जिंदगी गुजारोगे कि दुनिया तुम्हारे हैबत से, तुम्हारे वजूद से सिमट कर पहाड़ जिससे राई होंगे. एक शर्त है, अल्लाह के रसूल से खयानत नहीं करना, उन पर अपना जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करना. अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे लोग हमारे माशरे में हैं जिनको आप देखने में कहोगे जो बिल्कुल वेस्टर्न है, शायद नमाज भी ना पढ़ते हो, उनकी जारी जिंदगी मगरिब के हालात पूरी गुजर रही है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं. मुसलमान को छोड़, हम जारी तौर पे गैर मुस्लिमों की बात बताते हैं. डॉक्टर एन मैरी शमिल जो इकबाल की आशिक हैं, इतनी बड़ी जर्मन, माशाल्लाह इंतकाल हो गया उनका, लेकिन इतनी आशिक अल्लाह के रसूल की और इकबाल की, एक मरतबा उनको किसी ने बलगल उलाब कमाल ही कशफत दुजाब जमाल ही, वो जो खूबसूरत फारसी की जो नात है तारीफ हजूर की शान में, वो किसी ने लिख के दी. ये वाकया आज हम सुनाते हैं क्योंकि एन मैरी शमिल हमारी बड़ी करीबी दोस्त भी थी, ये उनका राज भी है. तो एन मैरी शमिल ने वो कतबा लेके, वो छोटा सा फ्रेम था जिसपे ये नात लिखी हुई थी हजूर की शान में, लेके अपने माथे से लगा लिया और खड़ी हो गई, और बहुत देर खड़ी रही, और लोगों को पता नहीं कि अंदर क्या है. जब उन्होंने हटाया तो आंसुओं से इतना रो रही थी कि पूरा फ्रेम उनके आंसुओं से गीला हो चुका था. एंड एन मैरी शमिल वॉज सपोज टू बी ए क्रिश्चियन, लेकिन इश्क रसूल में बड़े बड़े मुसलमानों को पीछे छोड़ गई थी. माशाल्लाह, तो ये कमाल है इश्क रसूल का, जब तक ये मुसलमान में आग ना भड़के उस वक्त तक मुसलमान मुसलमान नहीं बनता. टेक अ ब्रेक एंड कम बैक. वेलकम बैक जी. बहुत जबरदस्त और इंटेंस बातें चल रही हैं. मैं अली, बट दिस इज द एम्फेसिस दैट वी नीड टू मेक, क्योंकि ये चैप्टर अब हम यहां क्लोज करेंगे, इसके बाद हम इकबाल के रमूज़ बेखुदी के दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाएंगे. लेकिन अब ये वो वक्त है कि जब जिस तरह नमाज पर, रोजे पे, शरीयत पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है हमारे यहां, जब इकबाल ये कहते हैं कि तुम अपनी खुदी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी और अपनी गैरत की हिफाजत करो, जब इकबाल ये कहते हैं कि तुम अपने अंदर मौजूद बुतों को तोड़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह की परफेक्शन बनो, ताकि कोई ताहूत, कोई कुफर, कोई इकोनॉमिक मॉडल, कोई सूद का निजाम, कोई काफिर हुकूमत, कोई अमेरिकन, यूरोपियन, नेटो की मिलिट्री ताकत, कोई दहशतगर्द तुम्हें सच बोलने से बाज न रख सके, किसी से तुम खौफ ना खाओ, मगर इन सबको तुम सिर्फ उस वक्त अचीव कर सकोगे जब तुम्हारा जाती रूहानी ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ कायम होगा. सही. गो कनेक्ट योर सेल्फ टू योर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आज भी उसी तरह फैज लिया जा सकता है. इकबाल ने एक खत लिखा अपने एक दोस्त को, उसमें लिखते हैं, और ये बड़ी इकबाल का ये खत एक किताब मार्केट में मौजूद है, फिरोज संस की छपी हुई है, उस किताब का नाम है ज़ियारत नबी बहालत बेदारी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बेदारी में, क्योंकि ख्वाब में ज़ियारत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सब तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके आगे एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है कि बेदारी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फैज कैसे मिलता है. तो इकबाल उस किताब में, फिरोसंस की लिखी हुई किताब है ज़ियारत नबी बहालत बेदारी, अब्दुल मजीद एडवोकेट साहब की लिखी हुई, उसमें इकबाल एक खत लिखते हैं अपने एक दोस्त को और कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दौर में ज़ियारत मुबारक हो आपको. मेरा अकीदा है कि लोग आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह फैज ले सकते हैं जैसे सहाबा ले सकते थे, लेकिन चूंकि इस किस्म के ख्यालात का इजहार भी बाज दिमागों को नागवार गुजरता है, लिहाजा मैं चुप रहता हूं. लोग हकीकत का इसलिए अली इनकार कर देते हैं कि खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करते इसको. आपके कहने का मतलब है कि इकबाल को भी वही, इकबाल को वो एक्सपीरियंसेस खुद थे. आप डर के मारे बोलते इसलिए नहीं थे कि लोग इकबाल की डिनाई कर, इनकार ना करते, लेकिन इकबाल की रूहानी डायमेंशन के राज उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने जिंदा रूद में लिखे हुए हैं. जिंदा रूद उठा के देखिए, उसके अंदर इकबाल की रूहानी डायमेंशन की इतनी बातें हैं कि इंसान हैरान होकर सोचता है कि इकबाल अल्लाह के वली थे, फकीर थे, दरवेश थे, कलंदर थे क्या, यकीन सब कुछ थे. और यही सारी फोर्सेस एक मर्द कलंदर में, मर्द दरवेश, मर्द मोमिन में पैदा होती हैं कि जब उसकी निस्बत हुजूर से कायम हो जाती है, फिर वो डायनेमिक्स होते हैं उसके कि अल्लाह उससे पूछता है बता तेरी रजा क्या है. ये मुमकिन नहीं है. और इन लोगों की एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. ये आपको बात बता दें, जो गुस्ताखे रसूल होगा उसकी कुछ निशानियां आपको हम बता देते हैं. पहली बात, उसका चेहरा मकरू होगा. दूसरी बात, उसका दिल सख्त होगा. तीसरी बात, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी. चौथी बात, उसके अमाल कबूल नहीं होंगे. पांचवी बात, उसकी बात में तासीर नहीं होगी. जो बात मुंह से निकालेगा कोई सुनेगा ही नहीं. ये सब कुछ उसके चेहरे पे होगा.
चेहरे पे या नमाज के बड़े बड़े निशान लगे हुए होंगे लेकिन चेहरा मकरूह होगा। ये एक लानत होती है उस शख्स पे जो गुस्ताखे रसूल होता है कि उसका चेहरा मकरूह कर दिया जाता है। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा था कि तुम्हारी पेशानियों पे तो सिजदों के निशान हैं, कभी कोई सिजदा तुमने ऐसा भी किया है कि जमीन पे निशान रह जा? यानी जमीन पुकार उठे कि वाकई आज एक मर्द मोमिन ने सिजदा किया था। वो अजान जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, वो अजान जिससे पूरी कायनात हिलती है, होती है बंदे मोमिन की अजान से पैदा। एक बंदे मोमिन की अजान हिलाती है पूरी कायनात को। अगर अजान नहीं हिला रही है कायनात को, अगर तुम्हारी बात में तासीर नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे नूर नहीं है, तुम्हारा दिल नरम नहीं है, तुम्हारी आंखों से हुजूर का नाम मुबारक सुन के आंसू नहीं निकलते, तो तौबा करो, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। तौबा करो, तुम कोई हराम काम कर रहे हो। तौबा करो, तुम्हारा वजूद हराम में पला हुआ है। क्योंकि जो सजा लगती है किसी इंसान को, सबसे बड़ी सजा अगर किसी मोमिन को लग सकती है वो ये कि हुजूर के नाम सुनकर, हुजूर से मोहब्बत करके, हुजूर से ताल्लुक करके, हुजूर के रोजे पर जाकर, हुजूर को याद करके उसकी आंखों में आंसू ना आए। अगर किसी के साथ ये नहीं हो रहा है फिर उसको दोबारा तौबा करनी चाहिए, अपनी डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए। इकबाल का हाल ये था। इकबाल का हाल हम आपको सुनाते हैं अली, कि हुजूर का इसमें मुबारक हुजूर के आगे, इकबाल के आगे ले लिया जाए तो धाड़े मार मार के ऐसे रोते थे कि बेकाबू हो जाते थे। एक आदमी हज करके आया बड़ी महफिल में, इकबाल उससे कहते हैं कि तुम मदीने से होकर आए हो, अपने पैर मेरी आंखों पे फेर दो ताकि मैं वो कम से कम वो मट्टी मेरी आंखों पे लग जाए। क्यों? और वो आदमी घबरा गया, महफिल रोने लगी, इकबाल रोने लगे। इश्क रसूल जुनूनी होता है, दीवानगी होती है, यहां फतवे नहीं लगाए जा रहे होते, ये प्यार के मामले होते हैं। जो इश्क रसूल जिसको नसीब हो गया, कायनात को तब्दील वही करेगा। एंड दिस इज द विजडम ऑफ अल्लाह, दिस इज द रियलिटी ऑफ रिलीजन, दिस इज द रियलिटी ऑफ फेथ, एंड दिस इज द मैसेज ऑफ इकबाल। विदाउट योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद रसूल अल्लाह तुम तब्दीली कायनात में नहीं ला सकोगे। अगर इमेजिन करें पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस आशिक रसूल है, इसका ताल्लुक हुजूर से सचमुच कनेक्ट हो जाए, और फिर क्या माल में भी, क्या माल में भी क्या फोर्सेज होंगी जो ऑपरेट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट वाज वेरी पावरफुल। ऑफ कोर्स इश्क रसूल के बगैर इस दुनिया में या आखिरी दुनिया में भी हमारे कोई मुकाम नहीं। और आज ये रसालत का चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आके इसके नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द रेवोल्यूशन एंड स्टेइंग ऑन विद अस। विद दिस रेवोल्यूशन विल बी टेलीवाइज्ड। खुदा वेलकम बैक। जी बहुत जबरदस्त और इंटेंस बातें चल रही हैं। मैं अली, बट दिस इज द एम्फेसिस दैट वी नीड टू मेक, क्योंकि ये चैप्टर अब हम यहां क्लोज करेंगे, इसके बाद हम इकबाल के रमूज बेखुदी के दूसरे चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। लेकिन अब ये वो वक्त है कि जब जिस तरह नमाज पर, रोजे पे, शरीयत पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है हमारे यहां, जब इकबाल ये कहते हैं कि तुम अपनी खुदी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी और अपनी गैरत की हिफाजत करो, जब इकबाल ये कहते हैं कि तुम अपने अंदर मौजूद बुतों को तोड़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह की परफेक्शन बनो, ताकि कोई ताहूत, कोई कुफर, कोई इकोनॉमिक मॉडल, कोई सूद का निजाम, कोई काफिर हुकूमत, कोई अमेरिकन, यूरोपियन, नेटो की मिलिट्री ताकत, कोई दहशतगर्द तुम्हें सच बोलने से बाज न रख सके, किसी से तुम खौफ ना खाओ। मगर इन सब को तुम सिर्फ उस वक्त अचीव कर सकोगे जब तुम्हारा जाती रूहानी ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ कायम होगा। सही। गो कनेक्ट योर सेल्फ टू योर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी उसी तरह फैज लिया जा सकता है। इकबाल ने एक खत लिखा अपने एक दोस्त को, उसमें लिखते हैं, और ये बड़ी इकबाल का ये खत एक किताब मार्केट में मौजूद है, फिरोज संस की छपी हुई है, ज़ियारत नबी बहालत बेदारी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बेदारी में, क्योंकि ख्वाब में ज़ियारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सब तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके आगे एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है कि बेदारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फैज कैसे मिलता है। तो इकबाल उस किताब में, फिरोज संस की लिखी हुई किताब है ज़ियारत नबी बहालत बेदारी, अब्दुल मजीद एडवोकेट साहब की लिखी हुई, उसमें इकबाल एक खत लिखते हैं अपने एक दोस्त को और कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दौर में ज्यारत मुबारक हो आपको। मेरा अकीदा है कि लोग आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह फैज ले सकते हैं जैसे सहाबा। इस किस्म के ख्यालात का इजहार भी बाज दिमागों को नागवार गुजरता है, लिहाजा मैं चुप रहता हूं। लोग हकीकत का इसलिए अली इनकार कर देते हैं कि खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करते इसको। तो आपके कहने का मकसद है कि इकबाल को भी वही, इकबाल को वो एक्सपीरियंसेस खुद थे, आप ये वो डर के मारे बोलते इसलिए नहीं थे कि लोग इकबाल की डिनाई कर, इनकार ना करते हैं। लेकिन इकबाल की रूहानी डायमेंशन के राज उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने जिंदा रूद में लिखे हुए हैं। जिंदा रूद उठा के देखिए, उसके अंदर इकबाल की रूहानी डायमेंशन की इतनी बातें हैं कि इंसान हैरान होकर सोचता है कि इकबाल अल्लाह के वली थे, फकीर थे, दरवेश थे, कलंदर थे क्या, यकीन सब कुछ थे। और यही सारी फोर्सेस एक मर्द कलंदर में, मर्द दरवेश, मर्द मोमिन में पैदा होती हैं,
कि जब उसकी निस्बत हुजूर से कायम हो जाती है, फिर वो डायनेमिक्स होते हैं उसके कि अल्लाह उससे पूछता है बता तेरी रजा क्या है। ये मुमकिन नहीं है। और इन लोगों की पहले एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। ये आपको बात बता दें, जो गुस्ताखे रसूल होगा उसकी कुछ निशानियां आपको हम बता देते हैं। पहली बात, उसका चेहरा मकरू होगा। दूसरी बात, उसका दिल सख्त होगा। तीसरी बात, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। चौथी बात, उसके अमाल कबूल नहीं होंगे। पांचवी बात, उसकी बात में तासीर नहीं होगी। जो बात मुंह से निकालेगा कोई सुनेगा ही नहीं। ये सब कुछ उसके चेहरे पे होगा। चेहरे पे या नमाज के बड़े बड़े निशान लगे हुए होंगे, लेकिन चेहरा मकरू होगा। ये एक लानत होती है उस शख्स पे जो गुस्ताखे रसूल होता है कि उसका चेहरा मकरू कर दिया जाता है। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा था कि तुम्हारी पेशानियों पर तो सिजदों के निशान हैं, कभी कोई सिजदा तुमने ऐसा भी किया है कि जमीन पर निशान रह जाए? यानी जमीन पुकार उठे कि वाकई आज एक मर्द मोमिन ने सिजदा किया था। वो अजान जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, वो अजान जिससे पूरी कायनात हिलती है, होती है बंदे मोमिन की अजान से पैदा। एक बंदे मोमिन की अजान हिलाती है पूरी कायनात को। अगर अजान नहीं हिला रही है कायनात को, अगर तुम नहीं है, तुम्हारा दिल नरम नहीं है, तुम्हारी आंखों से हुजूर का नाम मुबारक सुन के आंसू नहीं निकलते, तो तौबा करो, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। तौबा करो, तुम कोई हराम काम कर रहे हो। तौबा करो, तुम्हारा वजूद हराम में पला हुआ है। क्योंकि जो सजा लगती है किसी इंसान को, सबसे बड़ी सजा अगर किसी मोमिन को लग सकती है, वो ये कि हुजूर के नाम सुनकर, हुजूर से मोहब्बत करके, हुजूर से ताल्लुक करके, हुजूर के रोजे पर जाकर, हुजूर को याद करके उसकी आंखों में आंसू ना आए। अगर किसी के साथ ये नहीं हो रहा है, फिर उसको दोबारा तौबा करनी चाहिए, अपनी डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए। इकबाल का हाल यह था, इकबाल का हाल हम आपको सुनाते हैं अली, कि हुजूर का इसमें मुबारक हुजूर के आगे, इकबाल के आगे ले लिया जाए तो धाड़े मार मार के ऐसे रोते थे कि बेकाबू हो जाते थे। एक आदमी हज करके आया बड़ी महफिल में, इकबाल उससे कहते हैं कि तुम मदीने से होकर आयो, अपने पैर मेरी आंखों पे फेर दो ताकि मैं वो कम से कम वो मट्टी मेरी आंखों पे लग जाए। क्यों? और वो आदमी घबरा गया, महफिल रोने लगी, इकबाल रोने लगे। इश्क़े रसूल जुनूनी होता है, दीवानगी होती है। यहां फतवे नहीं लगाए जा रहे होते, ये प्यार के मामले होते हैं। जो इश्क़े रसूल जिसको नसीब हो गया, कायनात को तब्दील वही करेगा। एंड दिस इज द विजडम ऑफ अल्लाह, दिस इज द रियलिटी ऑफ रिलीजन, दिस इज रियलिटी ऑफ अ फेथ, एंड दिस इज द मैसेज ऑफ इकबाल। विदाउट योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद रसूल अल्लाह, तुम तब्दीली कायनात में नहीं ला सकोगे। अगर इमेजिन करें पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस आशिक रसूल है, इसका ताल्लुक हुजूर से सचमुच कनेक्ट हो जाए, और फिर क्या माल में भी, क्या माल में भी क्या फोर्सेज होंगी जो ऑपरेट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट वाज वेरी पावरफुल। ऑफ कोर्स इश्क रसूल के बगैर इस दुनिया में या आखिरी दुनिया में भी हमारे कोई मुकाम नहीं है। और आज ये रसालत का चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आके इसके नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द रेवोल्यूशन एंड स्टेइंग ऑन विद अस। विद दिस रेवोल्यूशन विल बी टेलीवाइज्ड। खुदा हाफिज़।